सांस जो होश उड़ा दे, कॉफी जो चाय भुला दे, शेक जो आपको शेक कर दे और खाना जो मूड मेक कर दे। इतने सारे अमेजिंग कैफेज और वो भी सिस्टर्स वर्सेस ग्लोब अप्रूव्ड। तो दिल एक ही बात पूछता है, ये है कहाँ? ये है नोएडा में। सो अगर आपको भी है नोएडा के बारे में नो आइडिया, देन दिस वीडियो इज जस्ट फॉर यू। हाय गाइस, हम है सिस्टर्स वर्सेस ग्लोब। मैं हूँ मेघा। और मैं हूँ नेहा। और आज हम कुछ कैफेज एक्सप्लोर करने वाले हैं नोएडा में। तो हमारा फर्स्ट डेस्टिनेशन अभी तो नहीं, अभी आपको धीरे धीरे बताएंगे कि कहाँ जा रहे हैं, पर ये कैफेज काफ़ी अच्छे हैं नोएडा के, और यहाँ पे आप ब्रेकफास्ट भी कर सकते हैं। तो यस, हम लोग एक्सप्लोर करेंगे नोएडा और आपको बताएंगे कि कौन से कैफेज आप जा सकते हैं, ताकि आपको कुछ काम ना करना पड़े और सारा काम हम करें। एंड यू जस्ट वॉच आवर वीडियो एंड फाइंड आउट कौन से कैफेज है बेस्ट। आप इनमें से किसी भी कैफे में गए हैं तो हमें कॉमेंट से बताइए कुछ आपका यहाँ पे फेवरेट डिश है या जो भी है। सो वी वुड ऑल्सो लाइक टू ट्राई दैट। And before we start the video, don't forget to subscribe to our channel, क्योंकि guys subscribe नहीं करेंगे तो कैसे मिलेगा ये सब content? So subscribe to our channel and let's go. हम है रीडर्स कैफे में, जो आपको दिख रहा है ये फर्स्ट फ्लोर, जस्ट नहीं सेकंड फ्लोर आई थिंक, जस्ट अबव एयरटेल। की सारी वायर है यहाँ पे, दिखाना इतना मुश्किल है, पर ये जिसमें गोला गोला बना हुआ है ना, ये है रीडर्स कैफे। ओके गाइस, अंदर से दिखाते हैं, लेट्स गो। रीडर्स कैफे कॉफी एंड बुक लवर, जैसे नाम बोल रहा है रीडर्स कैफे। अभी हम आ गए रीडर्स कैफे, जो कि है सेक्टर 18 नोएडा में। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है, बुक्स ही बुक्स हर जगह हैं, और इसका डेकोर जो है बहुत इंटरेस्टिंग है, जो बुक की प्लेसमेंट है हर जगह अलग अलग तरीके से हुई है। इन्होंने पेंसिल्स भी ऊपर रूफ पे भी लगा रखे हैं, फिर डोर्स में भी है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कैफे लग रहा है। तो आई थिंक ये काफ़ी हमारा अच्छा फाइंड है फॉर सिस्टर्स वर्सेस ग्लोब। ये लो, देखो द मेन्यू। आई थिंक आई विल हैव अ कॉफी एंड देन देखते हैं, शायद तो बर्गर खा लूँगी। So, आगे हमारी कॉफी ये है रोज कॉफी। हमको लगा था पूरी पिंक होगी, ऐसे एक पिंक लाटे का ट्रेंड चला था, बट इसमें नीचे फ्लेवरिंग है एंड ऊपर ये है हॉट कॉफी। और ये फ्रेंच वनीला, इसमें अगेन नीचे वनीला फ्लेवरिंग एंड ऊपर कॉफी। ये अच्छी हो रही, मैंने पी भी थोड़ी सी। ये कोकोनट वाला था क्या? और ये है पीना कोलाडा कोकोनट। हाँ, और ये है क्रिस्पी फ्राइड बर्गर विद फ्रेंच फ्राइज। हाँ, रोज का फ्लेवर अब आया। एक फ्रेंच फ्राइज भी खा के दिखाऊं कैसी है, क्रिस्पीनेस टेस्ट। आई लव फ्राइज, वेरी क्रिस्पी। मम्मी आपका अच्छा है? ओह माय गॉड, फुली लोडेड टेबल इज रेडी। और ये पिज्जा चिकन बारबेक्यू पिज्जा, लेट मी सी कौन सा स्लाइस लूं, सबसे बड़ा वाला स्लाइस। हा हा हा, ओह थिन क्रस्ट है, आई लव थिन क्रस्ट, फुल चीज़ी। ओह ओके ओके ओके, इट्स वेरी हॉट, बहुत ही ज़्यादा गर्म है और आराम से। आई एम इन अ रिलेशनशिप विद पिज़्ज़ा नाउ। काफ़ी टेस्टी है, यम। क्रिस्पी चिकन बर्गर था ना ये?
यस। इसके अंदर क्या क्या है? क्रिस्पी चिकन के साथ मेयो, टमाटर, खीरा, सब कुछ, सैलेड वगैरह इन्होंने डाल रखा है जो यहाँ पे पड़ा है ना वो भी। बर्गर भी अलग है, ग्रिल कर रखा है, ग्रिल कर रखा है ऊपर से भी, अच्छा है और चिकन बहुत क्रिस्पी है। हाँ वही चाहिए था मुझको, यम यम यम, टू एक्साइटेड, वेरी नाइस। कॉफी इज वन मॉकटेल, एक पिज्जा और एक बर्गर का बिल आया 1750। गाइस हमने खा लिया है वो भी अपना खाना एंड सब कुछ काफी टेस्टी था एंड एक्चुअली टेस्टेड सरप्राइजिंगली था नया, बहुत अच्छा। और ये कैफे मतलब एम्बियंस भी बहुत अच्छा है, स्पेशली जिसको बुक लवर है तो उनके लिए तो बहुत ही अमेजिंग है। प्लस बोनस ये है कि खाना बहुत अच्छा है। यस एंड सुपर बोनस ये है कि अगर यहाँ पे बैठोगे तो क्या लाइटिंग आ रही है। ये है ब्लू टोकाई जो कि आसपास का एरिया तो ये बहुत खूबसूरत नहीं है, सेक्टर 5 में है नोएडा में, पर अंदर जब आप एंटर करोगे तो इतना खूबसूरत है, एकदम प्लांट से भरा हुआ है ये। दिखाई नहीं है थोड़ा इनको? हाँ बिल्कुल। और ये राइट हैंड साइड में जो है वो है ब्लू टोकाई, और सारे अब जो इंस्ट्रक्शंस आपको फॉलो करने में यहाँ लिखे हुए हैं। और ये पिकअप एरिया है यहाँ पे, जोमैटो, सैनिटाइजर है। तो ये एकदम ब्लू टोकाई कैफे के साथ में डिजाइनर और यहाँ का फैक्ट्री भी चल रहा है, काफ़ी बड़ी स्पेस है। डिसाइड किया है कि हम बाहर के एरिया में बैठेंगे क्योंकि काफ़ी सुंदर है यहाँ पे, प्लांट्स वगैरह भी। मेघा ने जो है स्कैन कर लिया ऑलरेडी, तो ये मेन्यू ऐसे स्कैन उनका बाहर काफ़ी अच्छे फोटोज के साथ आ रहे हैं। हाँ तो ये आइस्ड मोका, बहुत ठंडा है पर हाँ ठीक है। आई एम सॉरी नहीं है, क्या तूने आइस मोका का और फिर बोला बहुत ठंडा है? सही में आइस भी है इसमें, मतलब अच्छा है लेकिन ब्लू टोकाई की वजह से हॉट कॉफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। वीप नाउ वीप। सो दिस इज द कैरेट केक। अभी क्या है नेहा? इट्स नॉट वेरी स्वीट, मतलब बहुत स्वीट भी नहीं है तो अच्छा लग रहा है, नटी भी है, अंदर भी कुछ नट्स डाले हुए हैं इन्होंने कैरेट केक के अंदर और ऊपर से तो वॉलनट्स भरे हुए हैं तो अच्छा है। ओह माय गॉड लुक एट दिस, इतना बड़ा सैंडविच, मज़ा आ गया गाइस, मज़ा देखते मज़ा आ गया। और ये क्रिस्पी क्रिस्पी चिप्स और ये सैंडविच एंड ये मेरी सुंदर सी कॉफ़ी है फ्लैट वाइट, जस्ट ट्राई। डिलीशियस, बहुत ही अच्छी है। इसके अंदर मीट बॉल है, लैम मीट बॉल्स, ये चीज़ है और स्पिनच भी आए थे।
एक कॉफी, एक आइस मोका, एक केक एंड सैंडविच का बिल आया 970। तो यहाँ का हमारा ब्रेकफास्ट हो चुका है खत्म, जो कि बहुत ही बढ़िया हमारा सैटरडे मॉर्निंग रही है। काफी पेट भर गया, अच्छा था ब्रेकफास्ट। दिस वाज गुड, लेट्स गो टू द नेक्स्ट कैफे, मे बी डिफरेंट डे इन डिफरेंट क्लोथ्स, लेट्स गो। तो गाइस हम आ गए हैं अपने नेक्स्ट कैफे में, जो अगेन इज इन सेक्टर 18, और यहाँ इसका नाम है जीरो डिग्रीज। ये बहुत फेमस है अपने शेक्स के लिए, एंड क्यों फेमस है, बिकॉज दे आर फ्रीकी एंड वील शो यू हाउ, लेट्स गो। तो हमने यहाँ पे दो ऑर्डर करे हैं जो कि आप देख सकते हैं। ये है मॉन्स्टर फ्रीकी शेक, काफ़ी फ्रीकी लग रहा है, पता नहीं कैसे खत्म होगा। और इसमें अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पे ना पॉपकॉर्न लगे हुए, क्योंकि इस वाले फ्रीकी शेक का नाम है पॉपकॉर्न, पॉपकॉर्न शेक, कैरेमल शेक, पॉपकॉर्न कैरेमल शेक, क्योंकि कुछ कैरेमल भी ड्रिप हो रहा है। ओके गाइस, कभी कभी इंसान भूल जाता है, इट्स ओके, ऐसे कुछ चीज़ें देखकर। और ये है हमारा कूलर, बहुत थक गए थे आज, तो ये तो बिल्कुल बनता था शेक के साथ। और ये है पैशन फ्रूट फ्लेवर, सो बोथ ऑफ दीज थिंग्स लुक्स वेरी इंटरेस्टिंग, टेस्ट करके पता लगेगा व्हिच वन इज विनिंग। मैं क्रीम में गिरा ना पूरी। वाओ या इज इट रियली गुड, रियली गुड, क्रीम भी अच्छी है, पूरा खा के शेक कैसे पहुंचा जाए, मतलब क्रीम बहुत हैवी लग रही है, सॉफ्ट लग रही है, करते हैं एक चीज़, इसको आप कैसे पीते हैं, थोड़ा ऐसे ट्राई करते हैं अपने ऊपर क्रीम, मतलब शेक में पॉपकॉर्न का फ्लेवर इज वेरी इंटरेस्टिंग, अच्छा हो रहा है गाइस, लेकिन ये पीना एक चैलेंज है। ठंडक पड़ गई जैसे बोलते हैं ना, सर्दियों में भी ठंडक पड़ती है गाइस। तो गाइस हमसे तो ये पूरा मतलब कन्वीनियंट लग रहा है कि थोड़ा सा क्रीम जो है इसमें डाल दें, ताकि शेक पर अच्छे से एंजॉय कर पाए, और ये क्रीम विद पॉपकॉर्न अच्छे से एंजॉय कर पाए। दो डिशेस बना लिया हमने। इनकी ड्रिंक्स इतनी अच्छी है कि हमने एक और ऑर्डर कर ली, और ये प्रीमियम कूलर जिसका नाम है रेस्पबेरी लेमनेड, सो लेट्स हैव अ टेस्ट। सो रिफ्रेशिंग, वेरी टेस्टी वंस अगेन, ऑल ड्रिंक्स आर गुड। थ्री ड्रिंक्स का, जिसमें थी दो प्रीमियम कूलर और एक फ्रीकी शेक, का बिल आया था अराउंड 637 रुपीस। गाइस बहुत थक गए थे तो बिल की वीडियो नहीं ली, बट दैट वाज द बिल। जल्दी आने वाला है हमारे चैनल में, तो सब बने रहिए गाइस, बेल आइकन में नोटिफिकेशन प्लीज उसे ऑन करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।